मेरे प्यारे दोस्तों, अब बॉलीवुड के जावेद चीचा, बोले तो फरहान अख्तर के डैडी जी, जब एक्सपोज हो ही रहे थे तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनको थोड़ा और एक्सपोज कर लिया जाए, क्योंकि इनकी पत्नी, बोले तो शबाना आजमी के पिताजी, कैफे आजमी का पाकिस्तान प्रेम कुछ अलग ही लेवल पर था। पाकिस्तान के लिए चूंकि कैफे आजमी बॉलीवुड के तथा कथित सबसे बड़े लिरिसिस्ट थे, तो एक के बाद एक पाकिस्तान प्रेम में रोमांटिक शायरियां और कविताएं लिखा करते थे। और इतना सा कोई कह दे तो जी जावेद चीचा को खूब तेज मिर्ची लग जाती है और कहने लग जाते हैं कि दिखा दो एक भी लाइन जो कैफे आजमी ने पाकिस्तान प्रेम में लिखी हो। तो अब हमने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को पूरी की पूरी पोयम ही दिखा दी जाए। तो ये देख सकते हैं आप, हम आपके लिए कैफे आजमी द्वारा 1944 में लिखी गई रोमांटिक पोयम लेकर आए हैं, जिसमें वो लिखते हैं, ओह सॉरी फरमाते हैं, अगली ईद पाकिस्तान में, नेक्स्ट ईयर ईद शाल बी सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान इन अ लैंड ऑफ गुड आमीन। और फिर यही नहीं, जब हमारा सोमनाथ मंदिर बना था, हुजूर द्वारा ये फरमाया गया था, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसे, अपने जैसे ही बनाया तो कयामत होगी, प्यार होगा ना जमाने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, और फिर हमसे ना उसकी इबादत होगी, वाह 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 वाह। तो जी कुछ इस तरीके से कैफे आजमी, बोले तो चिचा जावेद के ससुर जी, पूरे तरीके से आग उगल रहे थे, मुंह से भी और कलम से भी। और इस वीडियो को इस वक्त देखने वाले कुछ बेवकूफों को अभी भी बात समझ नहीं आई होगी, तो वो लोग भी आग उगल रहे होंगे कहां से, खैर छोड़िए। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।